सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड मॉक टेस्ट की सीरीज में आज चौथा मॉक टेस्ट है एंड आज का मॉक टेस्ट जो है वो स्टैटिस्टिक पोर्शन के ऊपर है स्टैटिस्टिक पे आ, के ऊपर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के इस मॉक टेस्ट में जो है आपको देखने को मिलेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला क्वेश्चन है कि विच क्वेश्चनरी अटैम्प्ट टू हाइड द पर्पज ऑफ स्टडी ठीक है तो कौन सी क्वेश्चनरी है जो कि स्टडी का क्या पर्पस है ये इस चीज़ को हाइड करती है इनमें से कौन सी टाइप की वो क्वेश्चनरी जो है वो मानी जाती है जो कि स्टडी किस पर्पस के लिए हो रही है उसको हाइड कर देती है ठीक है उसका पर्पस को हाइड करती है तो ये होती है आपकी डिस्काइज ठीक है तो डिस्काइज क्वेश्चनरी में स्टडी का क्या पर्पस है इसको हाइड ही रखा जाता है ये नहीं बताया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द डेटा वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देन द डेटा इज नोन एज ठीक है अगर डेटा की वैल्यू को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेटा जो रहेगा वो किस तरह का डेटा रहेगा ठीक है तो ये आपका रहता है टाइम सीरीज डाटा ठीक है तो टाइम सीरीज डेटा जो है इसमें डेटा वैल्यू जो है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है रिकॉर्ड किया जाता है और इस डाटा डेटा को कहते हैं टाइम सीरीज डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएबल विच वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट आर नोन एज ठीक है तो जो वेरिएबल जिनको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन वेरिएबल्स को कौन से वेरिएबल कहा जाता है तो इनको कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिनको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं आर द सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ सेकेंडरी डाटा ठीक है तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होते हैं आपका अकाउंट्स का पेपर है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो हैं सेकेंडरी डाटा आर द आर विच सोर्स ऑफ सेकेंडरी सेकेंडरी डाटा का कौन सा सोर्स है ठीक है तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो हैं ये आपके इंटरनल सोर्स रहते हैं सेकेंडरी डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनांस देन दिस इज डैश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा ठीक है तो जब डेटा जो है आप ये इसको कलेक्ट करते हैं जो फाइनेंस एंड करेंसी पर जो रिपोर्ट्स आई होती हैं वहाँ से जब आप डाटा कलेक्ट कर, करते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा का कौन सा सोर्स बन जाता है तो तब इन केस इन दैट केस वो बन जाता है आपका सेकेंडरी uh, डेटा का नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल डाटा सोर्स ठीक है नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल डेटा सोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज़ यूज्ड इन केस ऑफ ठीक है तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है इसका इस्तेमाल जो है तरह की रिसर्चिज में होता है तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्चि जो है इन केसेस में जो है आपका सैंपलिंग मेथड जो यूज होता है वो रहता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट होल्ड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वालिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स ठीक है तो कौन सा टेस्ट आपको बताता है कि जो प्रोडक्ट है आपका प्राइस इंडेक्स और क्वालिटी इंडेक्स का वो आपकी वैल्यू इंडेक्स के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल होना चाहिए तो ये कौन सा टेस्ट होता है तो ये आपका होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ठीक है तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट जो रहता है प्राइस इंडेक्स और क्वालिटी इंडेक्स का वो वैल्यू इंडेक्स के इक्वल ही रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी थिंग इन द टेबल विच रीडर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टाइटल कैप्शंस एंड स्टब शुड बी एक्सप्लेन इन ठीक है तो टेबल में मान लीजिए रीडर को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है चाहे वो टाइटल हो कैप्शन हो या स्टब्स वगैरह हो वहाँ से अगर रीडर को कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है समझने में तो फिर वो चीज़ कहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है ठीक है तो वो चीज़ आपकी फ़ुट नोट्स में जो है एक्सप्लेन की जाती है ठीक है तो फुट नोट इसका सही आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मैन्यूफैक्चरिंग रिकॉर्ड आर द डैश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा ठीक है तो फाइनेंशियल एंड मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो हैं ये सेकेंडरी डाटा का कौन सा तरह का सोर्स है तो ये भी जो है इंटरनल सोर्स ही है सेकेंडरी डाटा का फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल एंड मैनुफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स उसके बाद सेंसिस जो है आपको पता है हमारे देश में रेगुलर इंटरवल में करना करवाया जाता है यूजुअली कितने सालों के बाद जो है उसको रेगुलर इंटरवल में करवाया जाता है तो सेंसिस आपका आपको पता है दस साल के पीरियड के बाद जो है रेगुलर कराया जाता है लास्ट सेंसिस जो है दो में हुआ है और दो के सेंसिस के लिए डेटा जो है उसको कलेक्ट किया जा रहा है अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ ओके नेक्स्ट है कि ग्रास रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है आपका जी आर आर ग्रास रिप्रोडक्टिव रेट जो है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट के कितने गुना होता है जो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट है वो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट के कितने गुना होता है तो ये आपके टोटल फर्टिलिटी जो रेट है टी से हाफ होता है ठीक है यानी मान लीजिए जी अगर एक है ठीक है सॉरी जी आर एफ नहीं कर टी आर टी एफ आर जो है वो आपका एक है तो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट आपका वो वन बाई टू यानी हाफ हो जाएगा ओके नेक्स्ट है इफ़ एनी क्वांटिटी इज़ मेयर इन टर्म ऑफ इट्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस देन द डेटा इज नोन एज ठीक है तो अगर कोई भी क्वांटिटी कहता है कि उसको मेयर किया जाता है उसकी मौजूदगी या उसकी नामौजूदगी की वजह से तो उस तरह के डेटा को क्या कहा जाता है इस तरह के डेटा को बाइनरी डेटा कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक में कहता है कि वो टर्म जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है वो डेटा विच इज़ मेयर इन टर्म ऑफ सम क्वालिटी और क्वांटिटी इज़ नोन एज ठीक है तो डेटा के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो सॉरी so डेटा के लिए जिसको हम हाँ मेयर कर सकते हैं क्वालिटी की टर्म में या उसकी क्वान्टिटी की टर्म में तो स्टैटिस्टिक में उस टर्म को नाम दिया जाता है वह है आपका एट्रीब्यूट ठीक है तो एट्रीब्यूट डेटा को ही कहा जाता है ओके जिसको आप क्वालिटी या क्वांटिटी किसी भी मेयर में आप उसको मेयर कर सकते हैं किसी भी तादाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज डिफाइन एज चांस ऑफ डाइंग ऑफ न्यूली बॉर्न इन्फेंट विद इन अ ईयर ऑफ इट्स लाइफ अंडर द गिवन मॉर्टेलिटी कंडीशन ठीक है तो उस टर्म को क्या कहते हैं जब बच्चा जो है एक साल के अंदर ही अपने जन्म के एक साल के अंदर ही अगर मर जाता है मॉर्टेलिटी कंडीशन के अंदर अगर एक साल के अंदर ही उसकी मौत होगी पैदा होने के बाद उसको क्या कहेंगे तो उसको कहा जाता है इन्फेंट मोरटेलिटी रेट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डाइकोटोमस एट्रीब्यूट ठीक है डाइकोटोमस एट्रीब्यूट्स के लिए द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट इस टर्म है ठीक है तो डाइकोटोमस एट्रीब्यूट्स में प्रेजेंस जो होती है एट्रीब्यूट की उसको क्या कहा जाता है तो इसकी प्रेजेंस जो है इसको कहते हैं हम पॉजिटिव क्लास ठीक है पॉजिटिव क्लास नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा जो है उसकी डिसएडवेंटेज क्या होती है सबसे बड़ी सेकेंडरी डेटा की डिसडवेंटेज ये रहती है कि ये हमेशा लेटेस्ट नहीं होता यानी डिसीजन मेकर को जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये ऑलरेडी साल पहले 200 साल सॉरी साल पहले 10 साल पहले डेटा पहले से लिया होता है तो उस मौजूदा टाइम में क्या उसके लिए वो फ़ायदा है या नहीं ये चीज़ एक गारंटी नहीं होती इस चीज़ की तो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवेंटेज रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोअफिशेंट ऑफ को रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड वर्ड ठीक है तो कोअफिशेंट ऑफ को रिलेशन है ये किस चीज़ का इंडिपेंडेंट होता है एक तो स्केल स्केल पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती इंडिपेंडेंट होता है स्केल का साथ साथ और किस चीज़ के लिए इसकी और किस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता तो स्केल के साथ साथ ओरिजिन जो है स्केल और ओरिजिन दोनों पर जो है ये इंडिपेंडेंट है इन पर डिपेंडेंट नहीं होता कोअफिशेंट ऑफ को नेक्स्ट है कि इन डैश डेटा एट्रीब्यूट अंडर स्टडी कैन नॉट बी मेयर ठीक है कौन सा टाइप का डेटा है जिसमें एट्रीब्यूट जो आप स्टडी कर रहे हो उसको मेयर नहीं किया जा सकता ठीक है तो ये है आपका क्वालिटेटिव ठीक है क्वान्टिटी में आप मान नाप मेयर कर सकते हैं कि डेटा कितना है ठीक है क्वालिटी क्वान्टिटी इट मीन्स क्या आपको पता है क्वालिटी में आप डेटा जो है उसको मेयर नहीं कर सकते कि इतना परसेंट है या इतना परसेंट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीरीज ऑफ वैल्यू इफ वन वैल्यू इज जीरो देन द ज्योमेट्रिक मीन वुड भी ठीक है किस आपके पास मान लीजिए कोई भी सीरीज़ है एक दो तीन चार इसमें एक भी अगर जीरो आ जाता है तो जियोमेट्रिक मीन जो है वो कितना हो जाएगा ठीक है अगर एक भी जीरो आ रहा है आपको तो मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो ज़ीरो ही आ जाएगा ठीक है तो फिर इसका जो आंसर है वो जियोमेट्रिक मीन जो है वो जीरो ही हो जाएगा ठीक है तो वैल्यूज़ की सीरीज़ में अगर एक भी वैल्यू ज़ीरो होगी तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपका वो भी ज़ीरो आएगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही है कल सुबह जो है हम आपके लिए कोर नए पोर्शन के ऊपर जो है मॉक टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे और शाम को जो है आपको एक कोर नया मिलेगा ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू हैव अ नाइस